Hi everyone, Assalamualaikum. Welcome back to my channel once again. My name is Amral Mas and today I am again with a new video. And in this video, I am going to share some of the duas with you and also the app जिसको जिससे मैं ये दुआ पढ़ती हूँ. सो बहुत सारी दुआ है, छोटी छोटी दुआ जो कि आपको तो खुद याद होगी, उसके लिए आपको किसी ऐप की ज़रूरत नहीं है. बट एक बहुत अच्छी ऐप है जो मैंने डाउनलोड कर रखी है और उसमें हर तरीके की दुआ है. एंड वट एवर इमोशन यू फील एंड जो भी आप फील करते हो, वो सब चीज़ों की दुआ है. सो मुझे वो ऐप पर्सनली बहुत अच्छी लगती है. सो मैं वो ऐप के बारे में आपको बताऊँगी. सो बेसिकली जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ, वो तो मैं इस बेसिस पर बना रही थी कि मुझे उनके लिए दुआ बतानी है जो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. येस, यू गेस्ट इट राइट, आवर पेरेंट्स. सो हमारे पेरेंट्स जो होते हैं, वो हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं. अम्मी एंड अब्बू, ये जो हमारी लाइफ में ना, लाइक दे आर द वंस जो हमारी लाइफ को बहुत ही खूबसूरत बनाते हैं. एंड लाइक हमें किसी भी तरीके की परेशानी हो तो उनके पास हम जा सकते हैं. उनके जैसा सेल्फलेस लव हमें इस दुनिया में फिर कोई नहीं दे सकता. सो और हम अपने माँ बाप के लिए, उन्होंने जितना हमारे लिए किया है, वो तो हम उनको पे बैक नहीं कर सकते. नो मैटर हम कितना ही उनके लिए कुछ कर दें, बट उस लेवल का सैक्रिफाइस और उस लेवल की काइंडनेस, उस लेवल का सेल्फलेस लव हम उन्हें कभी नहीं दे सकते. बस कोशिश कर सकते हैं कि हम उन्हें दे सकें. सो यू नो, मैं तो अभी इस काबिल तो नहीं हूँ मैं कि उन्हें मैं फाइनेंशियली बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दे पाऊँ या फिर मैं उनके बहुत सारी ख्वाहिशों को पूरी कर सकूँ. बट मैं ये तो करती हूँ कि मैं उनके लिए दुआएँ करती हूँ, कि मैं हर नमाज में उनके लिए दुआ करती हूँ, ताकि वो भी मेरे खुद के लिए, कि उनका साया मुझ पे इतना इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप उनके लिए दुआ करते हो तो मतलब आप खुद के लिए दुआ कर रहे हो. उनका साया आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, उनका होना आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर वो ना हो तो जिनके माँ बाप नहीं है वो ये फील कर सकते हैं कि जिनके माँ बाप नहीं होते वो इस दुनिया में कितना अकेला फील करते हैं, चाहे वो कितने भी लोगों से सराउंडेड हो. तो मैं ये सोचती हूँ कि हम लोग कितने ब्लेस्ड हैं कि हमारे माँ बाप हमारे पास हैं. सो मैं तो हमेशा दुआ करती हूँ. और कुछ छोटी छोटी दुआएं जो आपको अपने मम्मी पापा के लिए रिसाइट करते रहना चाहिए. हमें अपने पेरेंट्स के लिए दुआ करनी चाहिए और ये दो दुआ रिसाइट करते रहना चाहिए. रब इग़फ़िरली वाली वालिदैया वलिल मोमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब एंड रब इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा. सो ये दो दुआ है जो हमें अपने पेरेंट्स के लिए करते रहना चाहिए. एक ऐप है जो मैंने अपने फ़ोन में डाउनलोड किया है, जो बहुत अच्छी ऐप मुझे लगती है. वो उस ऐप का नाम है दुआ एंड दिकर ऐप. एंड आप उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं. उसमें आपका जो भी इमोशन आप फील कर रहे हो उससे रिलेटेड भी सारी दुआएँ हैं. एंड और भी मॉर्निंग अधिकार एंड इवनिंग अधिकार बिफोर स्लीपिंग, आप वो सारी चीज़ें उसमें दी हुई है. सो पर्सनली आई लव्ड दैट ऐप. एंड छोटी छोटी दुआएं हैं जो आपको हर दिन रिसाइट करनी चाहिए एटलीस्ट. या फिर आप रमज़ान, मैंने ये कोशिश की है कि मैं और भी सूरह याद करूं, क्योंकि नमाज में हम वही दो तीन चार सूरह जो रिसाइट करते हैं. बट मैंने कोशिश की है कि विथ माय बिजी शेड्यूल मैं ये भी करूं कि छोटी छोटी सूरह याद करूं, जैसे कि सूरह नसर, सूरह असर, सूरह तिन. अभी मैं सूरह तिन याद करने पे मतलब मैं याद कर रही हूँ, अभी मुझे हुई नहीं है मुकम्मल वो याद. सो ये सब जो छोटी छोटी सूरह है वो हम याद करें, ताकि हम उसे नमाज में और भी सूरह पढ़ सके. बस सूरह फलक और सूरह नास, सूरह इख़लास पे ही ना रहें. सो ये भी आप कोशिश करें कि आप ये सूरह भी याद करें. सो मेरा मेन इंटेंशन था इस वीडियो को बनाने का कि आप अपने पेरेंट्स के लिए खूब सारी दुआएं करें. एंड विद दैट मैंने ये भी बताया आपको कि सूरह याद करना कितना इंपॉर्टेंट है. बस वही दो तीन सूरह हम नमाज में पढ़ते हैं, बट हमें और भी सूरह याद करनी चाहिए ताकि हम नमाज में उसे भी रिसाइट कर सकें. सो दैट्स गोना इट फॉर दिस वीडियो. आई होप कि आप लोगों को हेल्पफुल भी लगी होगी और अच्छी भी लगी होगी. सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. बाय.